वाला, उसकी दुकान चल नहीं रही थी, उसने किसी पीर से तावीज़ गंडे लिए, दुकान वो अल्लाह ने वैसे ही चलानी थी, चल गई भाई, कभी नहीं चल रही होती, कभी थोड़े दिनों में खुद बहुत चलना शुरू हो जाती है। अब उसको उसके पीरो मुर्शिद ने कह दिया दुकान तो चली है मगर 10 बजे दुकान बंद करना ज़रूरी है, अगर नहीं बंद की तो ये कारोबार वापस रिवर्स हो जाएगा। अब उसके होटल में 10 बजे ठीक ठाक रश होता है मगर वो पीरो मुर्शिद की वजह से क्या कर देता है, बंद। मुझे किसी ने बताया कि इतना रश होता है सब कस्टमर को छोड़ के निकल लेता ही है कि पीर साहब ने कहा है कि वापस, मैंने कहा जाहिल है बेचारा फारिगाद, इसको बोलो कि ना उस पीर के तावीज़ गंडों से दुकान चली है और ना 10 बजे दुकान बंद करने से कारोबार ठप होगा। वैसे तो शरीयत का हुक्म है कि रात जल्दी सो सुबह जल्दी उठो, इस बेस पे अगर कर रहे हो तो ठीक है, पीर साहब के कहने पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस बेस पे अगर कर रहे हो भाई रात को जल्दी सोना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन अगर पीर साहब ने कह दिया कि 10 बजे तो वो पीर साहब को बोलो भाई बस ये तावीज़ अपने पास रखो, मेरा कारोबार अल्लाह ने चलाना था चला दिया। क्योंकि अगर पीर साहब के तावीज़ से इस तरह बिजनेस चल रहा होता तो फिर दुनिया में कोई बेरोज़गार नहीं होता। मैंने कहा ये जो पीर साहब हैं इनका अपना बिजनेस इस तावीज़ से चल रहा है। हाँ, असल मसला क्या है, इस तावीज़ से इनका अपना बिजनेस चल रहा है। तो ऐसी तवहुमात की दुनिया में रहते हैं, जीना सीखो तमीज़ के साथ। तवहुमात जो वहमी आदमी है खुदा की कसम कभी भी सुकून में नहीं रहता, उसका अल्लाह पे तवक्कुल तो होता ही नहीं है। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया हम ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करें, फिर नतीजा किस पे छोड़ दें, अल्लाह पे। दुकान चलेगी तो अल्लाह चलाएगा, नहीं चलेगी तो भाई नहीं चलानी, तो क्या हो सकता है। फिर भी ना चले तो एक तरीका बताता हूँ, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था, चल के ही नहीं दे रहा था, बड़े बड़े दुकान वालों को उनको दिखा दिया जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, नहीं चल के दिया। फिर एक साहब आए, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब एक हल है मेरे पास, चलेगा, इसका बाप भी चलेगा। मैंने कहा कैसे, कह रहे नीचे बैरिंग लगाओ धक्का दो चलेगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त, फिर तो चलेगा ना, क्या ख्याल है। तो अगर फिर भी नहीं चल रहा तो ऐसे चलाओ, और अगर कोई बिजनेस नहीं हो रहा तो सोने की दुकान खोलो। ये भी हमारे दोस्त के साथ हुआ है, वो कोई भी कारोबार करते थे, दीनदार आदमी थे, भाई अल्लाह ने रिस्क किसी को देना है किसी को नहीं देना, सबका कारोबार चलना शुरू हो जाए गरीब तो फिर रहेगा नहीं ना, तो सारे जरदारी बन जाएंगे भाई। तो अल्लाह ने किसी को गरीब रखना है किसी को मालदार रखना है, तो अल्लाह का निज़ाम है। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़ान सुख्रिया, कुरान कहते हैं ताकि बाज़ को खादिम बना के रखें। एक साहब मुझे कहने लगे मैंने तिजारत की अहमियत पे बयान दिया बहुत, उन्होंने कहा तिजारत के लिए भी तो मुलाजमीन रखने पड़ेंगे, तो मुलाजमत अगर इतनी बुरी चीज़ है भाई इतनी बुरी चीज़ है, तो मुलाजमों के बगैर तो तिजारत चलेगी नहीं। मैंने कहा हम वही मशवरे देंगे जो आपके लिए बेहतर हो, बाकी सारे ताजिर बन नहीं जाएंगे। हम तो कहेंगे भाई आप कोशिश करो तिजारत की तरफ, मुलाजिम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत से लोगों में बड़ी सलाहियतें होती हैं फिर भी वो किसी सेठ के बूट पॉलिश कर रहे होते हैं, बॉस की चापलूसी में लगे होते हैं, हर वक्त यस सर जी सर में लगे होते हैं, लेट आने पर डांट खा रहे होते हैं और बोनस के चक्कर में लगे रहते हैं और सर सर यस सर करते रहते हैं। तो बड़ी अल्लाह ने हालांकि सलाहियतें दी होती हैं, तो थोड़ा सा इधर इस तरफ आओ। जिनको अल्लाह ने मुलाजमत के लिए पैदा किया है ना वो रह जाएंगे, आपको अल्लाह ने हो सकता है पैदा ना किया, आप खुद अपनी हमाकतों से लगे हुए इसमें, तो मशवरा तो अच्छा ही दिया जाएगा ना भाई। तो क्या कह रहा था मैं, सोने की दुकान खोलें आप। हमारे एक दोस्त थे कोई कारोबार नहीं चल के दे रहा था, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा यार अब अल्लाह का बड़ा फजल हो गया है। देखो जो आदमी खुश रहना चाहता है ना वो हर तरह से रह लेता है, इंजॉय करता है हर चीज़ को। मैंने कहा आप कह रहे हैं अब तो मैंने सोने का डायरेक्ट सोने में हाथ डाला है। मैंने कहा आपका तो पापड़ का काम नहीं चल रहा था पकौड़ों का, आप सोने पे कैसे आ गए। है भाई कह रहे अब तो मेरे साथ मेरा भाई भी है तो 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है, सोने का कारोबार है। कह रहे 12 घंटे मैं सोता हूँ और 12 घंटे वो सोते हैं।